चुनावी समर में डिमांड है आपकी खास, डिमांड है कहीं हर डिमांड है खास। पब्लिक की हर डिमांड पर होगी हमारी नजर, देखिए हमारा खास बुलेटिन पब्लिक डिमांड सिर्फ भास्कर समाचार पर। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार का खास बुलेटिन पब्लिक डिमांड और मैं रुन राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं जनपद बागपत के वार्ड संख्या 8 में, जहां से प्रत्याशी सीमा तोमर है। मेरे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजिंदर सिंह जी, जिनको यह क्षेत्र राजिंदर प्रधान जी के नाम से जानता है। इनकी पुत्रवधु यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। जानेंगे इनसे कि चुनाव को लेकर कैसी तैयारियाँ चल रही हैं, क्या चुनाव चिन्ह है और इनके विकास का एजेंडा क्या है। प्रधान जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। धन्यवाद सर। अच्छा, जैसे आपकी पुत्रवधु यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, हाँ, तो क्या चुनाव चिन्ह है और चुनाव की तैयारियाँ कैसी चल रही है? चुनाव चिन्ह जो है छड़ी है, बैंत टाइप, उसे बैंत भी कह सके। और सीमा तोमर जो है पुत्रवधु का नाम है जी। और तैयारी तो बस ठीक चल रही है। वो शराब पर आप तो हम बंची नहीं करते भाई, ना पहले बंची नहीं बंची जी। कुछ लोग तो शराब पर, अपना स्वार्थ पूरा होना चाहिए, चाहे समाज जो है किसी के घर बर्बाद हो जाओ जी। हम शराब बिल्कुल नहीं बंचे करते, और अपना जो है हर घर में जाकर अपनी अलग जगह में पहले जो जिम्मेदारी दी थी हमें जनता ने, उसकी जो है सेवा की पूरी दिन रात, जो भी मान लिया हमारे उसमें बता 35 काम कराए जी, छोटे बड़े 35 काम है। और उस योजना से अलग भी, जैसा भाई कोई ऐसा है आदमी हमें हमारे पास आया तो हमने कभी अपने बार से कोई खाली नहीं भेजा, जितना बना उससे ज़्यादा करके भेजा आपने। अच्छा प्रधान जी, आपको किसी पार्टी का भी समर्थन मिला है? हाँ, हमें लोक दल पार्टी का जो है समर्थित जो है उनके उससे जो है चुनाव, मैं तो जो है अकेला आदमी हूँ जी, पर ये लोग जो हमारे कई गांवों के लोग हैं ये मान नहीं रहे थे जी। फिर ये अपने आप ही खुद ही जो है अजीत सिंह के पास गए, जयंत जी के पास गए, मेरा नाम लेके, मैं नाम भी नहीं भिजवाया था, जनता ने ही नाम भिजवाया। और फिर ये लोक दल, एक किस्म से लोक दल के प्रत्याशी हम अब मान लो आप। अच्छा, जैसे अभी आपने भी बताया कि आपकी जो पुत्रवधु है लोक दल समर्थित प्रत्याशी है। अच्छा चौधरी साहब, एक बात बताएंगे कि जैसे पूरा क्षेत्र बागपत की अगर हम बात करें, पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोक दल का वर्चस्व रहा है और पूरा लोक दल बागपत तो गढ़ है क्योंकि चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि रही है, तो कहीं ना कहीं 2014 के बाद कुछ बदलाव आया और 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव और 2019 के चुनाव में लोक दल को यहाँ से शिकस्त मिली, तो क्या आपको नहीं लगता कि अब की बार चुनाव में कुछ बदलाव हो सकता है? उम्मीद तो पूरी पूरी है, जनता ने जो बदलाव आया, जो इन्होंने झांसे दिए जनता को, जो ये मेरे हिसाब से तो एक किस्म से जिनकी सरकार चल रही है तांत्रिक लोग हैं, धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे, इन्हें जो है इन्हें जो ये बतावे नहीं विकास विकास विकास, इन्होंने तो एक किस्म से निवाले छीन लिए जो है जनता के जी। बहुत लोगों की नौकरी छूट गई, बहुत लोगों की जो है रोजगार नहीं है, हमें ही तो पता जो है, देखो तो ही नहीं जो है गलियों में घूम के, गांवों की गलियों में घूम के कैसे कैसे लोग वो दिन काटे। एक उज्ज्वला गैस बता में थे, अकबर उज्ज्वला गैस दे दिए, 1 करोड़ कनेक्शन दे दिए, ये किस्म तो ये तो जो है उन कंपनियों के सेल्समैन है, उन्हें 1 करोड़ कनेक्शन दे के जो आदमी गरीब आदमी यहाँ देहात में कोई भी ईंधन जो है रोटी बनाने के लिए मोल नहीं लेना पड़ा था किसी को, यहीं से जो है प्रकृति में से ही उसे मिल जाता, कोई लकड़ी चुप के, कोई अपने ऊफड़ू से अपना काम चला लेता। पर इन्होंने जो उनके भी 500-700 हज़ार रुपये का खर्चा बांध दिया और उल्टे और उन्होंने कहा जो 2 महीने में सिलेंडर भरवाया नहीं तो उसे हम उल्टा ले जाएंगे, तो ये तो एक किस्म से सरकार तो आज जो है पूर्णतः जो बड़ी बड़ी ये कंपनियां हैं उनके लिए काम कर रही, जनता के लिए वे कोई काम नहीं कर रही। अच्छा प्रधान जी, जैसे ये क्षेत्रीय चुनाव होता था इसमें पहले बड़ी पार्टियां हिस्सा नहीं लेती थी, हाँ। अब की बार राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस हाँ। की बात करें, बीजेपी की बात करें, हाँ। सभी ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, चुनाव अब की बार काफ़ी ये बड़ा चुनाव हो चुका है। देखो कादे में तो
इनका नाम भी अलग है। लोकसभा तो भाई केंद्र की वो होगी, विधानसभा जो है स्टेट की होगी, ये त्रिस्तरीय पंचायत, इनमें तो वैसे भी पंचायत शब्द लगा है, कायदे में तो ये राजनीति लोगों का था नहीं जी। पर राजनीति की लोग इतने अभिषेक हो रही है और सबसे ज्यादा ये भाजपा के हो रही है, इन्होंने ही तो जो है भाई हमें बूथ तक जाना है और बूथ तक जाना है, इन्होंने ये पहल करी तो दूसरे पार्टी की तो जो है वो मजबूरी है, मान लिया इन्होंने ये अपने प्रत्याशी उतारते और दूसरे ना उतारते, इन्हीं के बातें जो है कहते हैं देखो हम ही हमें बस और दूसरा कोई है डर गई हमसे, हाँ और जो है वो डर गई तो दूसरे पार्टी को तो मजबूरी में, और नहीं थे ये पद तो अराजनीतिक थे, ये पद तो जो गाँव में रहने वाले लोग हैं उनके जो है पद थे, इसमें कायदे में तो राजनीति होनी नहीं चाहिए थी बिल्कुल भी। अरे उनके लिए तो लोकसभा है, विधानसभा है, इस जनता के लिए भी कुछ छोड़ दो यार। अच्छा कहीं ना कहीं अब की बार जो चुनाव है इसमें कुछ नए चेहरे भी हैं, तो मुकाबला क्या लग रहा है आपको? नए चेहरे भाई, कोई दिल्ली से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा, बस नू सोच रहा कहीं जो है गज्जा मारना आ जा, और नहीं तो एकदम कहाँ थे उसका सेवा का भाव जो है उसके दिमाग में आ गया, बस सेवा करना आ गया, आज तो पहले कहाँ था। हमें जैसा हम 16 साल की उम्र में जो है सन 1978 में जब मुरारजी का शासन था तब जो है गन्ने की बहुत बुरी जो है वो दुर्दशा हुई थी, मैं 16 साल की उम्र में 14 दिन की तिहाड़ जेल काट का था और तब से जो है बराबर आज तक जो है सांस नहीं लिया, समाज के लिए लगे जो है वो समाज के लिए, और कहीं मेरे जो है यहाँ सिक आदमी है हर साल जो है हर साल में सर्दी में कंबल भी वितरित करूं, पर कोई दिखावा नहीं है, किसी कोई पेपर में नहीं है, और बहुत लोग यहाँ सिक हूँ भी इन्हें इनसे पूछ सको आप जो है उज्जैन लोग के महात्मा मेरे पास आते हैं भाई, कोई नाम बता दे एक बार फुलाने के पास जो है वो चले जाओ, पर कोई जो है ड्रामा नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई जो है वो दिखावा नहीं है, और ये तो जो है मान लिया कंबल देंगे एक फोटो खिंचवाओगे 10। अच्छा प्रधान जी अब की बार जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप पुत्र वधु आपके चुनाव लड़ रही है, तो विकास का क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है अब की बार चुनाव जीतने बाद? विकास की तो विकास कहने तो कुछ होता नहीं जी। मेरा तो ये मानना है जिस चीज की जरूरत है जी। अब सरकार के बहुत ऐसे काम है कि मान लिया वहां से जो है भेज दिया गया लखनऊ से या दिल्ली से कि भाई यू पैसा जा रहा है इसका कुर्ता बनेगा जी, और आदमी पे मान लिया कुर्ता पहले से है पजामा है नहीं जी। पर वे तो तोते की ढाल उसे ही कहूँ जाएंगे अधिकारी कह ले नहीं कुर्ता बनेगा इस पैसे में तो कुर्ता बनेगा, कुर्ता उस पे है जी। पजामा है नहीं वो नंगा फिरो तोड़े थे भाई बनेगा कुर्ता, तो ज्यादातर सरकारों की जो योजनाएं आती हैं एक किस्म से मिसयूज। आज ये टंकियां लग रही मेरे गांव में, मैं प्रधान था मैं भी बहुत जो है उतावला होके बहुत जेई को केड़े पेड़े खिला के माँ कर दी जो है वो ना कर दे, मैं भी टंकी लगवाई अपने गांव में, टंकी लगा के वे प्रधान के हैंडओवर कर दें, प्रधान कुछ इंजीनियर है प्रधान कैसे चलावेगा उसे, या तो उसका अपना आदमी छोड़ दे। अब फिर बहुत टंकी गाँवों में वो कर रहे, उस टंकी के पैसों में हर घर में एक नल का इंतजाम हो सके, साल दो साल वो चल कर टंकी बंद हो जा और पूरे गांव की सड़कें मान लिया पूरी जो है किसी प्रधान ने पूरा मन लगा के काम किया वे पाइप दाबण में उसमें पूरे गांव की जो है उबड़ काबड़ कर दें जो है, और टंकी भी साल भर में बंद हो जा, उसे फिर कोई हमने तो प्रधान को हैंड ओवर कर दी, या तो उसमें अपना आदमी छोड़ दो, अपना सरकार अपना आदमी छोड़ दो वो उसकी देख रेख करे, और नहीं तो कहीं ना कहीं आपका मानना है कि विकास के कार्यों को लेकर जिस चीज की आवश्यकता है, जिस काम की आवश्यकता है वो काम होना चाहिए, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आज आवश्यकता है शिक्षा की जी। भाई जैसा ये कह दे सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, सरकारी स्कूल में जगह कितनी है, आज कितने प्राइवेट स्कूल खुल रहे, तो इन्हें एक पंचवर्षीय योजना तो अगर जो है मान लिया इन्हें वास्तव में हाल तो इन्हें तो इन्होंने तो वहीं पे एडमिट दी, आज स्कूल आज बच्चों का भविष्य देख लो तुम क्या है, इस कोरोना के नाम पे यू भी एक षड्यंत्र हमारे हिसाब से षड्यंत्र रच रहे हैं लोग, इन्हें किसी की कोई चिंता नहीं है, बच्चे जो है कहीं जाओ कोई कहीं जाओ, इन्हें तो अपना जो इनके दिमागों में दिल में जो साजिश चले ये उसी के नहीं थे, ये तो भारत है, इस भारत में जो है उसी स्कूल में श्री कृष्ण पढ़िया, उसी स्कूल में जो है सुदामा पढ़िया, तो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार किया, शिक्षा के क्षेत्र में पूरी की पूरी ये जो सा निजीकरण कर रहे,
निजीकरण कर रहे, कम से कम इस सरकारी इसे जो है उसमें लेकर एक व्यवस्था मिल जा जी। सरकारी स्कूल में पढ़े हुए के मास्टर नहीं है, प्राइवेट वाला तो पता जो है भाई जो है बिना पढ़िया भी मान लिया 10 मिले रहा हो 8 मिले रहा हो है, तो उसके लिए पर बिल्डिंग चाहेंगी, उसके लिए बिल्डिंग चाहेंगी। इन नीक भाई अखबार एडमिशन नहीं कराता कोई प्राइमरी में, कितने एडमिशन कर लगे जब जगह जो है मान लिया वो 2 कमरे हैं स्कूल में, 4 कमरे हैं उसमें, इतने ही तो बच्चे पढ़ सके। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य करने की आवश्यकता है। तो प्रधान जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से इस चुनाव को लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही संदेश जो है वो संदेश है भाई, इस बीजेपी से बच लो, या बीजेपी 2014 से देखकर लग रही है, जो किसी को खुशी आई हो, जो आराम मिला हो, एक किस्म से जिस दिन तय आए टेंशन युक्त है भारत जी। अगर कुछ मिला इस भारत को टेंशन मिली, आप भी अपने दिमाग तक अपनी आत्मा होते जो टेंशन के अलावा और कुछ हो, और अब इनके राज में तो बीमारी भी ऐसी है ही, बताओ बीमार को ऐसी जगह बंद कर दें, ना उसका घर का मिल सकता ना कोई मिल सकता, उसे वो पानी मांगे कह लेगा, और वो जो है फोन करके कहे कह ले रहे मुझे तो हाँ कुछ भी नहीं दे रहे, वे घर वाले हमें कह ले नहीं सब ठीक है आपका मरीज, 2 घंटे पीछे कहने कह ले तो मर गया है। आज तो स्थिति ऐसी है बीमार आदमी भी इलाज करवाने में जो है सुखचाप है, अरे बीमारी आई कोई मान लिया उसका इलाज हो गया, पर बीमारी का भी एक कैसा ड्रामा बना दिया, मानव को मानव से कितनी दूर कर दिया, अरे किसी भी स्थिति में कितनी भी घातक बीमारी हो मानव ही तो मानव की रक्षा करेगा या जो है और जीव जंतु करेंगे भाई जी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर आदमी ही आदमी की दवा होती है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों की कहावत है। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र सिंह प्रधान जी, जिनकी पुत्रवधू वार्ड संख्या 8 से जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ रही हैं। प्रधान जी ने पिछले अपने शासन में 37 कार्य उन्होंने बताए हैं कि आप अपने आसपास के गांवों में कराए हैं। अब देखना यह होगा, क्योंकि प्रधान जी का कहना है कि 16 वर्ष की उम्र से ये समाज के बीच में हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। और प्रधान जी की एक आपको मैं खास बात बता दूं, ये किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, किसानों से जुड़ा कोई भी मुद्दा अगर इस क्षेत्र में उठता है तो प्रधान जी के द्वारा उठाया जाता है। अब देखना यह होगा कि वार्ड संख्या 8 की जनता प्रधान जी को अब की बार कितने मतों से विजय बनाती है। अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत।